अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और इसके हमने 3 लेक्चर स्टडी किए थे अभी तक। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि वाल्टर सूटन ने दी थी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए जो है ये एक विरासती मादा है। तो सबसे पहले एक इंग्लिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसने 1928 में पहला एविडेंस दिया कि डीएनए जो है ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है। ग्रिफ्ट जो था एक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ये क्या काज करता था? एक डिजीज काजिंग था, जो कि कौन सी डिजीज काज करता था? नमूनिया की डिजीज काज करता था। उसने इसके दो स्ट्रेन्स लिए। कौन कौन से स्ट्रेन्स थे? वो एक स्ट्रेन्स को उसने नाम दिया था एस टाइप, दूसरे स्ट्रेन को नाम दिया उसने आर टाइप। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एस टाइप बैक्टीरिया के अंदर और आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का था, इसमें क्या फ़र्क है? जो एस टाइप के बैक्टीरिया थे, इसको ये जो बैक्टीरिया थे ये विरुलेंट थे। विरुलेंट मीन ये डिजीज कॉजिंग थे। और जो ये स्ट्रेन थे ये कल्चर मीडिया के ऊपर फ्रेश कलोनीज बनाते थे। इसके अलावा इन बैक्टीरिया के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड कोट होता था, जिसकी वजह से इनको कोटेड बैक्टीरिया भी कहा जाता था। क्योंकि इन बैक्टीरिया के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, जिसकी वजह से ये कल्चर मीडिया के ऊपर स्मूथ क्लोनिज बनाते हैं, और इसलिए इनको नाम दिया गया था विरुलेंट बैक्टीरिया का। जो दूसरे टाइप थी वो थी आर टाइप। आर टाइप को नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। नॉन विरुलेंट जो बैक्टीरिया थे या जो ये स्ट्रेन थे, वो ये कल्चर मीडिया के ऊपर रफ क्लोनिज बनाते हैं। ये जो इन बैक्टीरिया के ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता, क्योंकि इन बैक्टीरिया के ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता, इसलिए इनको हम कोटलेस बैक्टीरिया भी कहते हैं। इस पॉलीसेकेराइड कोट के ना होने की वजह से ये कल्चर मीडिया के ऊपर रफ क्लोनिज बनाते हैं, और इसीलिए इन स्ट्रेन्स को हम नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स भी कहते हैं। यानी कि जो इसकी दो टाइप्स थी, एस टाइप और एन टाइप। जो एस टाइप थी वो विरुलेंट थी, और जो आर टाइप थी वो नॉन विरुलेंट थी। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, इसने 4 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसने जो आर टाइप बैक्टीरिया लिए। आर टाइप को आपको पता है कि वो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया हैं। उन आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया किसके अंदर? माउस के अंदर। जब उसने माउस के अंदर इंजेक्ट कराया तो जो माउस थे वो जिंदा रहा। जिस माउस के अंदर उसने उसको इंजेक्ट कराया था, वो माउस क्या रहा? जिंदा रहा। तो ये है वो पहला एक्सपेरिमेंट। ये पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, दोबारा सुन लें, कि जो आर टाइप बैक्टीरिया थे जिनको उसने नाम दिया था नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया का, जब उनको माउस के अंदर इंजेक्ट कराया तो वो माउस क्या रहा? जिंदा रहा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि जो एस टाइप बैक्टीरिया, जिसको उसने नाम दिया था विरुलेंट बैक्टीरिया का, जब उसको माउस के अंदर इंजेक्ट कराया तो माउस के अंदर इंजेक्ट कराने की वजह से जो वो माउस था वो क्या हुआ? डाई कर गया। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था। यानी कि जब उसने आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो माउस जिंदा रहा, जब उसने एस टाइप बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस क्या होगी? डेथ हो गई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने जो एस टाइप बैक्टीरिया था उसका जो पॉलीसेकेराइड कोट था उसको हीट से किल किया या ख़त्म किया, तो उसने उसको नाम दिया हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। जब उसने हीट के एस टाइप बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो उसने ये देखा कि माउस जो था वो जिंदा रहा।
इसका एक्सपेरिमेंट ये है। तो उसने ये नतीजा अखज किया कि जो पुलिस का कोर्ट होता है ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली फॉर द डिजीज कॉजिंग के लिए, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो जाती है। तो चौथ फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक लाइव आर टाइप बैक्टीरिया लिए और दूसरा हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया लिए या एस टाइप बैक्टीरिया लिए। इन दोनों का उसने मिक्सचर बनाया, किसका, लाइव आर टाइप का प्लस हीट किल्ड एस टाइप का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनाने के बाद उसने उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया। तो उसको ये लग रहा था क्योंकि उसने दोनों को जब अलग अलग अप्लाई किया था तो ये दोनों माउस माउस जो थे वो जिंदा रहे थे, लेकिन इस दफा जब उसने दोनों का मिक्सचर अप्लाई किया तो उसने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखे। उसने ये देखा जो माउस है वो क्या है, डेड कर गया, डाई कर गया है। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले। तो जब उसने इसी जो माउस जो डाई कर गया था उसका जब उसने ब्लड सैंपल का एनालिसिस किया तो उसने उसमें देखा कि उसके अंदर जिंदा एस टाइप बैक्टीरिया हैं, जिनकी सरफेस प्रोटीन कौन सी है, आर टाइप बैक्टीरिया की है। तो उसने फिर ये कंक्लूड किया, उसने ये कंक्लूड किया जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे हैं इनटू द एस टाइप, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफर हो गया है डेड एस टाइप से जिंदा आर टाइप के अंदर। तो जो इस जो ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड विच कैन ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर रिसिपिएंट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस एक्सपेरिमेंट तक ये हमें नहीं पता था कि कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें हमने पढ़ा था कि बाकी क्रोमोसोम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था क्रोमोसोम तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए, प्रोटीन एंड एसोसिएटेड आरएनए। अब ये कन्फर्म नहीं था कि डीएनए जो है ये ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, या आरएनए ट्रांसफ़र हुआ है या प्रोटीन ट्रांसफ़र हुई है। तो इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए तीन साइंटिस्ट ने मिल के काम किया। वो साइंटिस्ट कौन थे, ओ एवरी, सी मकलियार्ड एंड एम मैकार्टी। इन्होंने 1944 के अंदर ग्रिफ्स का जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था उसको लेके चले। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया जो ग्रिफ्त नहीं किया था, उन्होंने वही मिक्सचर बनाया किसका, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्त ने बनाया था। उन्होंने लाइव आर टाइप बैक्टीरिया प्लस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनाने के बाद उसमें से प्रोटीन को रिमूव किया। जब उन्होंने प्रोटीन को रिमूव किया तो प्रोटीन को रिमूव इतना रिमूव किया कि उन्होंने 99.998% प्योरिटी हासिल कर ली, यानी कि उन्होंने इतनी परसेंट उसकी जो प्रोटीन थी वो रिमूव कर दी। तो उन्होंने ये देखा जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी है वो अफेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब ये था जो वो माउस था वो डाई कर गया। इससे उन्होंने ये नतीजा किया डेट द प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। उसके बाद उन्होंने उसी मिक्सचर के अंदर आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, आर एन ए डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ ट्रेड किया। आर एन ए डाइजेस्टिंग एंजाइम का फंक्शन क्या है, वो आर एन ए को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो इससे भी उन्होंने ये देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी है वो अफेक्ट ना हुई, यानी कि जो माउस था वो डाई कर गया। तो इससे उन्होंने ये नतीजा किया कि आर एन ए इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। उसके बाद उन्होंने उसी मिक्सचर के अंदर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने ये देखा जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, जो माउस था वो जिंदा रहा। तो उन्होंने ये नतीजा किया कि बेसिकली द डीएनए इज द डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ना कि प्रोटीन, ना ही आरएनए।
ये उसका एक्सपेरिमेंट की फिगर है। जब उसने पॉलीसेकेराइड को डिस्ट्रॉय किया तो जो माउस था वो डाई कर गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी आपकी उसकी हुई। जब लिपर डिस्ट्रॉय किया तो भी माउस डाई कर गया, जब आरएनए को डिस्ट्रॉय किया तो भी माउस की डेथ हो गई, जब प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया तो भी माउस की डेथ हो गई, लेकिन जब डीएनए को डिस्ट्रॉय किया तो वो माउस क्या हुआ, क्या रहा, जिंदा रहा। जिंदा रहने का मतलब ये है कि उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो आप ये कह सकते हैं दैट ओनली द डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये उसका कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने 1952 के अंदर इस बात का फिर प्रूफ दिया कि डीएनए जो है ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ना कि प्रोटीन और ना ही आरएनए। इन्होंने बेसिकली बैक्टीरियोफेज T2 के ऊपर काम किया। अब बैक्टीरियोफेज जिसको किसको कहते हैं, ऐसे वायरसेस को कहते हैं जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन्होंने दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस बनाए। जब एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस को उन्होंने ग्रो किया ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर S35 थी, जो S35 तो है ये क्या है, एक एसोटोप ऑफ सल्फर है जो कि उन बैक्टीरियोफेजेस की प्रोटीन कोड के अमीनो एसिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरियोफेजेस थे इनकी जो प्रोटीन कोड थी वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो गई। यानी कि उसने पहले ग्रुप के अंदर बैक्टीरियोफेजेस को ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो किया जिसके अंदर S35 था। S35 जो था ये उन बैक्टीरियोफेजेस की प्रोटीन कोड के अंदर जो अमीनो एसिड था उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया, जिसकी वजह से इन बैक्टीरियोफेजेस की जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो गया। जो दूसरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस था उसमें उसको उसने ग्रो किया कहाँ पे, P32 मीडियम के अंदर। तो इसकी वजह से जो फास्फोरस था वो उन न्यूली फॉर्म बैक्टीरियोफेजेस की न्यूक्लिक एसिड के अंदर या न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर गया, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियोफेजेस थी उनका जो डीएनए कोर था वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो गया। उसके बाद आप ये देखें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसी बैक्टीरियोफेज को जिसमें उसने प्रोटीन कोड को लेबल किया था उसको अलो किया कि वो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करे। जब उसने अलो किया बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करे तो ये देख सकते हैं आप पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो आपको जो रेडियो एक्टिविटी है वो नज़र नहीं आ रही इस यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि जो प्रोटीन कोड है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि डीएनए, अब आपको पता है कि उन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया था। जब उन बैक्टीरियोफेजेस को अलो किया कि वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करें, तो जब उन्होंने उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व हुई उस बैक्टीरियम के अंदर। तो इससे उन्होंने ये नतीजा किया कि बेसिकली द डीएनए नॉट द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो कंक्लूजन ये है, द प्रोसीजर रिमूव नियरली ऑल ऑफ द S35 लेबल लेबल प्रोटीन फ्रॉम द बैक्टीरिया। However, P32 labeled had transformed into the interior of the bacteria and was found in viruses subsequently released from the infected bacteria. Hence, it is confirmed that the DNA, not the protein, is the hereditary material. उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमने आज के एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा है, तीन डिफरेंट लोगों के एक्सपेरिमेंट पढ़े। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, जो कि उसने बैक्टीरिया और माउस पे काम किया था। उसके बाद तीन साइंटिस्ट थे, ओ एवरी, सी मैक्लियार्ड एंड एम कार्टी। इन्होंने भी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को लेकर चले। और लास्ट पे जो साइंटिस्ट आए, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन सब ने मिलकर ये प्रूव किया कि डीएनए जो है ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है, बल्कि ना कि प्रोटीन ना ही आरएनए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।
फिर भी कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।